नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल रातवरित और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, एजुकेशन से जुड़ी हुई बातें मैं आप यहां पर लाते रहता हूं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति 2019 पर उस पर दो वीडियो बनाए थे, जिसमें एक पर मैंने डिटेल और दूसरे में जब इसकी भाषा के लिए लेकर विवाद हुआ था तब उस पर वीडियो बनाया था। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अंदर क्या क्या बदलाव होंगे और टेट कहाँ अनिवार्य होगा, ये सबके मन में जा रहे हैं और साक्षात्कार वाले और डेमो क्लास वाले पर सवाल भी निकल रहे हैं कि भी साक्षात्कार होगा, डेमो क्लास होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब लेकर मैं आ जाया हूँ। दोस्तों, वीडियो देखना शुरू से लास्ट, जिसको आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। इस प्रकार के एजुकेशन न्यूज मैं लेके आता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हो, RTI अब 12वीं तक सेकंड ग्रेड शिक्षक में भी पात्रता परीक्षा, यानी RTI राइट टू एजुकेशन जो है वो पहले 8वीं कक्षा तक था, लेकिन अब उसे 12वीं कक्षा तक अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी सेकंड ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड का पेपर होता है उसमें भी अब पात्रता परीक्षा होगी, यानी सेकंड ग्रेड में भी शिक्षक में भी पात्रता परीक्षा होगी। इसमें लिखा गया, नई शिक्षा नीति में राजस्थान के कई सुझाव शामिल, शिक्षकों को मिलेगी गैर शैक्षिक कार्य मुक्ति। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कैबिनेट में रखे थे सुझाव, यानी जो इतने भी जो शिक्षक लगे हुए हैं उनको गैर शैक्षिक कार्यों से चुनाव को छोड़कर सब कार्यों से मुक्त किया जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। चुनाव को छोड़कर अन्य गैर शैक्षिक कार्यों से शिक्षकों को राहत मिलेगी। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार कानून का दायरा बढ़ाकर 12वीं तक किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से तैयार हो रही नई शिक्षा नीति में राजस्थान के इन सुझावों को शामिल किया गया। पिछले दिनों दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने नई शिक्षा नीति तक राजस्थान की ओर से कुछ सुझाव रखे थे। डोटासरा ने मंगलवार को ट्वीट करके नई शिक्षा में शामिल किए गए सुझावों की जानकारी दी है। राजस्थान के जिन सुझावों शामिल किए गए उनमें से कुछ तो पहले यहाँ से काम शुरू हो चुका है। और डोटासरा नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी के जरिए प्री प्राइमरी शिक्षा को मजबूत बनाए जाने और शिक्षकों तबादलों और नई स्थानांतरण नीति लागू किए जाने का सुझाव भी रखा था। इन दोनों सुझावों को शामिल किया गया। प्रदेश में आंगनबाड़ी के जरिए प्री प्राइमरी को विकसित करने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। तबादला नीति बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है। अलग अलग राज्यों की नीति का अध्ययन किया जा रहा है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति पर सुझाव देने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की ओर से दिए गए सुझाव को डोटासरा ने कैबिनेट की मीटिंग में रखा। इन सुझावों में वित्तीय अनुदान का सुझाव भी था, जिसको नई शिक्षा नीति में उल्लेख नहीं किया गया। अब राजस्थान ये सुझाव है नई शिक्षा नीति में, पहला शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य से हटाया जाए चुनाव को छोड़कर, दूसरा प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी एवं स्कूलों के माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दी जाए, तीसरा शिक्षा का अधिकार 1 से 14 तक 1 से 14 से लेकर 1 से बढ़ाकर 18 तक किया जाए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तरह सेकंड ग्रेड भर्ती में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET जरूर की जाए। शिक्षकों की तबादला नीति बनाई जाए, जिस पर राजस्थान में काम शुरू हो गया। कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा ढांचा 5+ तथा 3+3+4 किया जाए, इससे प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक 5 साल और तीसरी से 5वीं तक 3 साल और 6ठी से 8वीं तक 3 साल और 9वीं से 12वीं तक 4 साल तक के कोर्स डिजाइन होंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि नई शिक्षा नीति जो है 86 पर आधारित है, ये प्रावधान होता है, किंतु इसमें शिक्षा भर्ती में जो साक्षात का प्रावधान है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है। हर स्कूल में गणित विज्ञान के शिक्षकों की उपलब्धता कहा गया। हालांकि इससे वित्तीय प्रबंधन राजस्थान जैसे बड़े राज्य संभव नहीं है। मूलभूत साधनों के विकास के लिए राजस्थान जैसे शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों के लिए विशेष वित्तीय अनुदान की जरूरत थी, इसकी व्यवस्था नहीं की गई। राजस्थान में 37,444 आंगनबाड़ी केंद्र स्कूलों में प्री प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था की जानी है, इसके लिए केंद्र ने वित्तीय सहायता को उल्लेख नहीं किया। इसका नई शिक्षा नीति राजस्थान में लागू किया जाना बेहद कठिन हो जाएगा। यानी आप देख रहे हो यहाँ पर जो है नीचे लिखा है राजस्थान में लागू होना बेहद कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये जो सुझाव है इसके अंदर वित्तीय सहायता को उल्लेख नहीं है। इसलिए फिलहाल ये जो पॉलिसी है ये अभी बनी है, ये लागू नहीं हुई है। जब लागू होगी तब इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, इसका कोई नया संशोधन आता है या कोई नई बात आ सकती है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद है वीडियो लाइक ना, आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। डू नॉट टेक स्ट्रेस, एंजॉय विद योर स्टडी। थैंक यू।